हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। मैं शमसुल आरफीन, आप देख रहे हैं चैनल नॉलेज इन कॉलेज। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम लोग मेल सेंड करते हैं किसी को, तो मेल सेंड करने के बाद हमें समझ में आता है कि यार ये मेल तो मुझे भेजना ही नहीं था। तो अब हम क्या कर सकते हैं अगर हमें बाद में पता चलता है कि जो मेल मैंने भेज दिया है वो मेल मुझे नहीं भेजना था? क्या उस मेल को हम अपनी तरफ से बाद में कैंसिल कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा फीचर है? दोस्तों, व्हाट्सएप पर तो हमने देखा होगा कि व्हाट्सएप पर एक ऐसा फीचर होता है कि अगर हमने कोई मैसेज सेंड किया और बाद में हमें समझ में आता है कि ये वाला मैसेज मुझे व्हाट्सएप पर नहीं भेजना चाहिए था, तो उसको हम बाद में भी उसको कैंसिल कर सकते हैं। उसमें एक ऑप्शन आता है डिलीट फॉर एवरीवन, और उसके थ्रू हम लोग उस मैसेज को या उस फोटोग्राफ को या जो कुछ भी होता है उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज हमें मेल पर करने की फैसिलिटी मिल जाती तो कितना अच्छा होता। तो दोस्तों, अगर आपकी भी ऐसी कोई ज़रूरत है जब आप मेल भेजते हैं और बाद में आप चाहते हैं उस मेल को डिलीट करना अपनी तरफ से, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको दिखाने वाला हूं। आपको ले चलेंगे अपनी स्क्रीन पर और पूरा आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि नीचे एक रेड बटन दिया हुआ है और उस पर क्लिक करके आपको सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर भी करें। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले हमें अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा mail.google.com। अगर आप इस ये काम मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल के लिए आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप सबसे पहले क्या काम करेंगे, साइड में जो तीन डॉट दिए जाते हैं वहाँ पर जाएंगे अपने क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ पर आप क्लिक करके डेस्कटॉप साइट ओपन करेंगे। वो पिक्चर पे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि कैसे आपको वहाँ पर करना है। तो मैं इसको लैपटॉप से करके दिखा रहा हूँ और मोबाइल पे करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, क्या किसी को हम मेल सेंड करें और वो मेल जिसको भी सेंड करें तो उसके बाद अगर हमारे पास ऐसा ऑप्शन हो कि मेल हमारा वापस आ जाए, मीन हम उसे सेंड करें बाद में अनसेंड भी कर दें, तो ये काम हम कैसे करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने मेल खोल लिया है, यहाँ पर हम आ गए, यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन गिवन है, इस पर मैंने क्लिक किया। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर नीचे कई ऑप्शन हैं, हमें सी ऑल सेटिंग पर जाना है। सी ऑल सेटिंग पे पहुंच जाते हैं हम सीधे, बहुत टाइम ना लगाते हुए। और यहाँ पर आने के बाद देखिए, वैसे तो ऑप्शंस बहुत सारे इसके अंदर, लेकिन हम जनरल में ही रहेंगे, हमें कहीं और नहीं जाना है। ये आपको मोबाइल और लैपटॉप दोनों में एक जैसा दिखेगा, इसमें कोई आपको इश्यू नहीं आने वाला है। तो अभी हम क्या करना है, हमें नीचे आना है। हम ये देखेंगे यहाँ पे चार पांच ऑप्शन छोड़ने के बाद सेंड अंडू सेंड लिखा हुआ है, सेंड कैंसिलेशन लिखा हुआ है, 5 सेकंड पीरियड लगा हुआ है। इसे हमें यहाँ से क्या कर देना है, सबसे पहले तो हमें इसको 30 करना है, फिर हमें देखना क्या करना है। 30 सेकंड मैंने किया, इसके बाद जो ऑप्शन है वो भी आपको जानना है, उसके लिए आपको नीचे आना पड़ेगा, सबसे नीचे आइए। और सबसे नीचे आने के बाद एक ऑप्शन है सेव चेंजेस, चलिए सेव चेंजेस कर लेते हैं क्योंकि इसके बिना तो कुछ होने वाला भी नहीं है। हमने सेव चेंजेस कर लिया, सेव चेंजेस करने के बाद हमारी स्क्रीन वापस आ गई मेल वाली, जहाँ पर हमने मेल सेंड करने का ऑप्शन होता है। अब हम किसी को अगर मेल यहाँ से भेजते हैं, बाय द वे देखिए क्या होता है और कैसे आप उसे वापस लाएंगे, ये भी देखिएगा। प्लस पे हम क्लिक करेंगे, कंपोज ऑप्शन आएगा, जिसको भी मुझे मेल करना है तो उसका मेल आईडी मुझे यहाँ लिखना है। मैं लिख देता हूँ ये वाली मेल आईडी पे मुझे भेजना है, सब्जेक्ट में लिख देता हूँ इनवाइट कुछ भी, है ना, और मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो। तो एक मैसेज मुझे भेजना है हेलो, जो इस ऊपर वाली मेल आईडी को भेजना है, और मैं इसको यहाँ से सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद देखिएगा कैसे वापस लाई जाएगी ये मेल। देखिए हमने सेंड किया, आप देखेंगे एक यहाँ पर मैजिक की यहाँ पर मैसेज सेंड आया है, अंडू ऑप्शन आया है और व्यू मैसेज आया है, मतलब अभी इस मैसेज को हम चाहें तो वापस ला सकते हैं। तो अभी मैं अंडू पर क्लिक कर देता हूँ, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए ये मेल मेरा जो मैंने सेंड किया था वापस आ चुका है, गया नहीं है। इसका मतलब कुछ अगर रह गया तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, हेलो प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप, कुछ भी ऐसे जो भी आप लिखे डमी मैसेज है, ठीक है ये मैंने लिख दिया। तो अब इसके बाद फिर मैं इसको फिर से सेंड कर देता हूँ और फिर भी हमारे पास देखिए यहाँ पे ऑप्शन रहता है, अगर इसके बाद हम फिर भी चाहें एक बार तो और बार अंडू कर सकते हैं, मैसेज हमारा वापस आ जाएगा। अभी इसके बाद क्या होता है, अगर हमें कुछ और भी लिखना था, बाय द वे मैं भूल गया थैंक यू लिखना, तो मैं थैंक यू भी लिख दूंगा और उसके बाद फिर से इसको सेंड करूंगा। अभी इस बार मैं सेंड करता हूँ, मैं इसको इस बार अंडू नहीं करूंगा, लेकिन अब हमें देखना है कि क्या जो मैंने आपको बता रखा है कि ये जो अंडू वाला फीचर है और मैसेज सेंड और व्यू मैसेज, तो अंडू फीचर हमारा कितनी देर तक यहाँ पर विजिबल रहेगा। तो ये अभी आपको दिखाता हूँ, मैं वेट करते हैं यहाँ पर थोड़ी देर। देखिए 30 सेकंड हो चुके हैं और हमारा वो अंडू वाला फीचर जा चुका है, मीन अब हम उस मेल को वापस नहीं ला पाएंगे। अब जिस पर मैंने मेल सेंड किया था, जरा वहाँ पर जाकर देख लेते हैं कि अब मेरा मेल पहुँचा या कितनी बार पहुँचा है। तो चलिए उस वाली मेल आईडी को हम ओपन करते हैं। तो ये मेरी वाली मेल आईडी है जिस पर मैंने मेल भेजा था, तो देखिए यहाँ पर आया है मैसेज हेलो प्लीज़ ज्वाइन द ग्रुप थैंक यू, ऐसा मैसेज आया है। एक ही बार आया चूंकि हमने भेजा तो 3 बार था, लेकिन 2 बार मैंने उसको वहाँ पर कैंसिल भी किया हुआ था। तो इस तरीके से आप अपने मैसेज को भेज करके उसे अंडू भी कर सकते हैं।